छोड़ने आ रहा हूँ भाई। आ जाओ गाइस खा लो सब। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सबनम इरान के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सभी की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हमारे देखने वाले को जहाँ कहीं भी रखे सलामत रखे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मंचूरियन की रेसिपी। गाइस, तो ये कुछ चीज़ें जिससे हम मंचूरियन बनाकर तैयार करेंगे। सब्जियों को चॉप करने से पहले अच्छे से साफ कर लिए। मैंने लिए यहाँ पे एक गाजर, गाजर को मैंने चॉप कर लिए, पत्ते गोभी को मैंने चॉप करके लिए, हरी मिर्च 3 चॉप करके लिए मैंने, प्याज के पत्ते को मैंने चॉप कर लिए, प्याज को भी मैंने चॉप करके लिए। मैंने लिए यहाँ पे लाल शिमला मिर्च, देख सकते हो आप इस तरीके से काट कर। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च ना हो तो हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें। मैंने लिए हरी शिमला मिर्च इस तरीके से काट कर, देख सकते हो आप हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काटा है। सब पत्ता गोभी को चॉप करके लिए मैंने यहाँ पे, प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है, देख सकते हैं आप। अदरक को मैंने चॉप करके लिए, लहसुन मैंने चॉप करके लिए, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे हम। प्याज के पत्ते मैंने चॉप करके रखे यहाँ पर, जब मंचूरियन तैयार हो जाएगा तब हम प्याज के पत्ते शामिल करेंगे ऊपर से। हमने यहाँ पे लिए मैदा, देख सकते हैं आप, और ये लिए हमने चावल का आटा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इस बर्तन में पत्ता गोभी शामिल करेंगे, सारी सब्जियों को शामिल कर देंगे। अभी हम शामिल नहीं करेंगे, अब हम सब्जियों में नमक शामिल करेंगे। सब्जियों को नमक में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने मिक्स कर लिए, तो अब ढककर हम सब्जियों को 5 मिनट तक रख देंगे। सब्जियों को रखे हुए 5 मिनट हो गए तो हम सब्जियों को देख लेंगे। देखिए सब्जियों में पानी आ गई है, देख सकते हैं आप इस तरीके से हाथ की सहायता से निचोड़ कर पानी को निकाल लेंगे सब्जी में से इस तरीके से। मैंने सब्जियों में से अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया हाथों की सहायता से निचोड़ कर, देख सकते हैं आप। तो पानी को हम फेंक देंगे। अब हम पानी निकाली हुई सब्जियों में 2 चम्मच मैदा शामिल करेंगे। डेढ़ चम्मच चावल का आटा शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पे हल्का सा काली मिर्च शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पे सोया सॉस शामिल करेंगे। सोया सॉस शामिल करने से मंचूरियन में अच्छी टेस्ट आएगी। अब हम यहाँ पे रेड चिल्ली सॉस शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। सभी कुछ शामिल करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सब्जियों को। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम मिक्स करने के लिए। सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसके बॉल बनाकर तैयार करेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे सारे बॉल तैयार कर लिए, देख सकते हैं आप। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है तब हम मंचूरियन फ्राई करेंगे। मंचूरियन को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं मंचूरियन, देख सकते हैं आप। मंचूरियन फ्राई हो गया तो हम मंचूरियन को निकाल लेंगे। ये देखो कितने अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम यहाँ पे मैदे का एक घोल तैयार करेंगे। इसमें हम पानी शामिल करेंगे, 2 चम्मच मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक से मैदे को पानी में मिक्स कर लिए, देख लें इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एक पैन लिए, पैन में तेल शामिल किया, तेल गर्म हो गया तभी इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे।
जो हमने चॉप करके रखी है। लहसुन को 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम यहाँ पे चॉप किए हुए अदरक शामिल करेंगे। अदरक को 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम यहाँ पे हरी मिर्च शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पे शिमला मिर्च शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे, पत्ता गोभी शामिल करेंगे, मिर्च सभी कुछ शामिल कर देंगे। सभी सब्जियों को शामिल करने के बाद 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पे। जीरो को भूनते हुए 1 मिनट हो गए हैं, तो अब हम यहाँ पे घोल शामिल करेंगे, तैयार करके रखती है। अब हम यहाँ पे सोया सॉस शामिल करेंगे 1 चम्मच। अब हम यहाँ पे ग्रीन चिल्ली सॉस शामिल करेंगे 2 चम्मच। अब हम यहाँ पे रेड चिल्ली सॉस शामिल करेंगे 2 चम्मच। सभी कुछ शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे व्हाइट सिरका शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पे काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी कुछ अच्छे से मिक्स कर लिए हमने, देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ पे फ्राई किए हुए बॉल शामिल कर देंगे। बॉल शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे मंचूरियन को, और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। मंचूरियन को पकते हुए 2 मिनट हो गए, तो गैस बंद कर देंगे और मंचूरियन को अलग बर्तन में शामिल कर लेंगे। मंचूरियन को मैंने अलग बर्तन में शामिल कर लिया, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे हम मंचूरियन के ऊपर से प्याज के पत्ते शामिल करेंगे। मंचूरियन बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। भाई शायद आ गए हैं, तो चलिए हम खाने जा रहे हैं। ये देखो गाइस, हमारी मंचूरियन रेडी हो गई है, तो सब खा रहे हैं। आ जाओ गाइस, खा लो सब। ये बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाती है, मजा आता है खाने में। ओहो मस्त, एकदम लजीज, अच्छे है, बहुत बढ़िया। ऑसम। मैं भी खाती हूँ। मम्मी बोलो कैसा बना है। खा कर बताओ मम्मी। बहुत ही मजे, बहुत ही मजे। तो यहाँ पे हमारी बाजी, अरे मैं हूँ। कैसी बनी बाजी? माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। टेस्टी बनी है, मैं भी खाती हूँ, बहुत टेस्टी है। गैस खाने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। गैस मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, देख सकते हो आप। अभी अभी सब ने मंचूरियन खाई है, आप कह रहे हैं चाय पिला दो, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे इतने सारे बर्तन रखे हैं धोने के लिए मेरे, देख सकते हो आप। और ज़्यादा हो गया मेरा, जब मैं चाय रखी ना बनने के लिए, मैं फ्रिज में से अदरक निकाल ली थी देखो, और यहाँ चाय निकल गई। चाय पीने के बाद चूल्हे को भी अच्छे से साफ करना पड़ेगा। इसे मैं चाय में शामिल कर दूँगी, इलायची को भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तेरे खोपड़ी फोड़ दो। पैसे किसके खर्च होंगे? खोपड़ी फोड़ने आ रहा हूँ भाई। देखो फोड़ के देखो कितना कितना दिमाग भरा हुआ है। अच्छा सब तेरे ना दिमाग भरे हैं क्या? हाँ 100%। अच्छा चाय भी ध्यान देना, चाय को। हाँ दे रही हूँ, तो पहले ही निकल गई थी जब मैं मतलब अदरक निकाली थी फ्रिज में से, तब निकल गई थी चाय। अब क्या फ्रिज में ढूंढ रहा है? हाँ मैं देखो, पता नहीं क्या फ्रिज में ढूंढ रही है, फ्रिज में क्या ढूंढ रही है। जब देखो इसे बस कुछ खाने की लगी रहती है। बादाम सुबह खाया जाता है इस टाइम? नहीं, बादाम का कोई लिमिट नहीं होता, जैसे खाने का लिमिट नहीं होता, जितने बजे खा लो। गाइस ये देखो चाय हमारी रेडी, देख सकते हो आप, मैं सबको दे देती हूँ। और ये देखो यहाँ पे शायद सबसे पहले मैं चाय पी रहा हूँ। देखो मुझे जाना है बाहर। अच्छा बाहर जाना है, बहुत जल्दी मैं चाय पी रहा है देखो बाहर जाने के लिए। मैं भाई को दे देती हूँ जाकर चाय। मुझे गर्म ही गर्म अच्छा लगता है। अच्छा चाय बनने के बाद अच्छा नहीं लगता। मैं रखती हूँ चाय बनने की, तभी लगा लिया करूँ।
तो गाइस चाय हमने पी लिए और किचन की सफाई कर दी, बर्तन भी साफ करके रखी हूँ मैं यहाँ पर धोकर, ताकि पानी सारा निकल जाए, उसके बाद में बर्तन सेट कर दूँगी अच्छे से। मंचूरियन बहुत टेस्टी बनी थी, हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी लगी खाने में मंचूरियन। मैं इस वीडियो को ही एंड करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।